दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। आपके साथ मैं हूं कौशाम्बी। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित राम जी मिश्र। जैसा कि पहले राहु ग्रह के बारे में पंडित जी ने बताया था, आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में कि जातक की कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। पंडित जी, आपने राहु ग्रह के बारे में बताया था, आज हम जानना चाहेंगे कि केतु ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन में। ओम केतुम कृणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे संसद विरजायथाः ओम कें केतवे नमः। और अब हम चर्चा करेंगे, नौ ग्रहों में सबसे आखिरी वाले ग्रह केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जो बहुत ही छुपा हुआ ग्रह है, केतु के बारे में केतु कुलस्य उन्नतिम, केतु कुल की उन्नति भी करते हैं। और अच्छे ग्रहों में अधिकतर शास्त्रकारों ने केतु को शुभ ग्रह माना है, क्योंकि केतु अधिकतर शुभ कार्यों में जिन ग्रह के साथ केतु बैठ जाते हैं उनके जैसा प्रभाव मनुष्य के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर अरिष्ट हो जाएं तो मनुष्य के चोट फेट लगना या ऑपरेशन कराना, बड़े बड़े कार्य, जो बहुत बड़े कार्य हैं, वो केतु ग्रह के द्वारा हो पाते हैं। कहीं से भी घाव लगना या कहीं से दुर्घटना का शिकार होना, अस्पताल में, अन्य ऐसी जगह पर जहाँ पे काट पीट का कार्य हो रहा हो, वहाँ केतु का मुख्य प्रभाव रहता है। इससे केतु ग्रह से हर एक मनुष्य को बचने की आवश्यकता है। अगर केतु अरिष्ट है तो उनका उपचार करके, उनको प्रसन्न करके हम केतु को प्रसन्न कर सकते हैं। केतु को प्रसन्नता के लिए सबसे पहला उपाय जो है वो काले कुत्ते को बिस्किट या रोटी खिलाना है, या कुछ मीठा अपने ऊपर उतार करके भी कुत्ते को खिला सकते हैं। दूसरा उपाय जो है वो लहसुनिया, अगर पुरुष है तो अपने दाहिने हाथ में पहन करके, अगर स्त्री है तो अपने बाएं हाथ में चांदी में लहसुनिया बनवा करके धारण करने से भी आप राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। या आप सप्त धान्य, सात अनाज पीस करके, सत अनाज उसको भूंज करके और भूनने के बाद उसको पिसवा लें, और फिर उस पिसे हुए अनाज को उसमें थोड़ा चीनी मिला करके उसको एक किसी मिट्टी के पात्र में, कलश में या छोटे कलश में ढक करके किसी पेड़ के नीचे बुधवार या शनिवार को दबाने से भी आपका केतु अच्छा हो जाएगा। केतु के प्रभाव से आप बचते रहेंगे। अगर केतु अच्छा है तो आपके यहाँ कुल की उन्नति होगी, आपके यहाँ संतानोत्पत्ति होगी, आपके जो सभी कार्य जो रुके हुए बड़े से बड़ा कार्य उसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए केतु के प्रभाव से सदैव दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। अगर केतु की दशा आने वाली है तो मनुष्य को तैयार हो जाना चाहिए कि हमको वाहन सावधानी से चलाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के चोट फेट से मनुष्य को खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट या ऑपरेशन पेट में। तो इसलिए केतु के प्रभाव से सदैव बचना चाहिए। और केतु के लिए बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान, बैंगन है, चाकू है, नीला कपड़ा है, नीले फूल है, ये सभी अपने ऊपर उतार करके शनिवार या बुधवार के दिन दान करने से भी केतु ग्रह अच्छे हो जाते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आज 18 फरवरी है, सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा राशिफल? वर्तमान में हमारी राशियों में क्या प्रभाव पड़ रहा है और कौन सी राशि क्या प्रभाव लेकर के हमारे जीवन में आ रही है, तो सबसे प्रथम राशि की चर्चा करेंगे, मेष राशि।
मेष राशि जो अभी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मेष राशि वालों का, आने वाला समय बेहतर होगा। बृहस्पति की पूजा आप करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राएं आपकी हो सकती हैं और आप अपने घर में किसी आने के, आपके घर में किसी मेहमान के आने के भी संकेत मिल रहे हैं, इससे आप आज के दिन प्रसन्न मुद्रा में होंगे और आपका समय बहुत अच्छा है। तांबे की अंगूठी या हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन आप करके अपने दिन को और भी अच्छा बना सकते हैं। चर्चा करेंगे वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, किसी प्रकार का मानसिक तनाव न लें, क्योंकि आप किसी अपने संबंधी या दूर संबंधी के जाने के उसमें थोड़ा सा परेशान होंगे, इसलिए आप अपने मन को शांत रखें, किसी मंदिर में चले जाएं या आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ के अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। यात्रा के योग चल रहे हैं जिससे आपको आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में लंबी दूरी की यात्रा के भी योग बने हुए हैं। और अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातक भाई से किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना बन रही है, उनके मन पूजा पाठ में थोड़ा कम लगेगा, मन अशांत रहेगा और लाभ के योग दिख रहे हैं, कहीं से आपको धन लाभ का भी योग बना हुआ है, धन लाभ हो सकता है। आप अपने हाथ से किसी गाय को चारा खिला करके या गणेश जी के मंदिर में जा करके गणेश जी को दुर्वा चढ़ावें और गणेश चालीसा का पाठ करके आप इन दिनों को अच्छा बना सकते हैं। चर्चा करेंगे हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातक मानसिक तनाव से इसमें थोड़ा सा परेशान रहेंगे, किसी भी प्रकार से उनके कमर में या दांतों में पीड़ा होने की संभावना बहुत तेज है, इसलिए आप प्रयास करें कहीं लंबी दूरी की यात्रा ना करें और यात्रा से बचें और अपने दांतों पर विशेष ध्यान दें। आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है, कुछ दिनों के बाद ये समस्या आपकी कम हो जाएगी और आपका जो बहुत अच्छा समय वो आने वाला है। चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वालों के लिए कहीं मंदिर में जाकर के कोई वस्तु वहां पे दान करें या मंदिर में जाकर के भगवान शिव की आराधना करें, आपका समय आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। वर्तमान समय में थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको सता सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग भी आपके बने हुए हैं, जो रुके हुए काम आने वाले समय में बहुत पूर्ण होंगे। वर्तमान समय में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बृहस्पतिवार का व्रत कर लें या बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करें। और अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों का इस समय बहुत अच्छा होने वाला है, आने वाले समय में थोड़ा सा अगर ड्रिंक आप लेते हैं तो थोड़े दिन के लिए उसको बंद करें, किसी भी प्रकार के नशे की वस्तु या नशे संबंधी जो भी चीज़ें आप ग्रहण करते हैं उनको थोड़ा कम करें, क्योंकि बृहस्पति की आपके ऊपर पूर्ण प्रभाव रहेगा और ये मादक वस्तुएं आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। इससे कन्या राशि वाले जातक जो पुरुष वर्ग हैं थोड़ा सा जो भी मादक वस्तु या पदार्थ ग्रहण करते हैं उनको नहीं करना है, ये समय उनका बहुत ही अच्छा है और हरी वस्तुओं का दान बुधवार को करने से उनके जीवन में और भी
सभी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। चर्चा करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि के जातक वाहन सावधानी से चलाएं, किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव अपने अंदर न रखें या अपने पार्टनर से झगड़ा न करें, अपने जीवन साथी से भी अच्छा तालमेल बना करके चलें। ये समय उनके लिए उन्नति का समय है और आने वाला समय उनके लिए और भी बेहतर होगा, इसलिए कहीं भी उनके नौकरी के योग या जो ऊंचाइयों को जाने के योग अभी वर्तमान समय चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भगवान की आराधना करें और सभी उनको सफलता प्राप्त होने का समय आ गया है। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। आपका घर में मन नहीं लगेगा, शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। शनि का विशेष ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, आपका कहीं लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। जहाँ पे आप इतने दिन से विराजमान थे, पदासीन थे, वहाँ से हटने के योग चल रहे हैं, इसलिए पूजा पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने आने वाले समय को और भी बेहतर कर सकते हैं। इससे समय बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करते रहें। धनु राशि वाले जातक, आपका समय बहुत ही बेहतर है, बृहस्पति की आराधना करें, हल्दी डाल करके दूध पिएं, आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जो अभी थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, उन सबसे निपटने का समय आ गया है। आपका समय बेहतर होने वाला है, क्योंकि 7:30 भी आपके ऊपर से उतर रही है, इससे जो आपकी परेशानियां थी उनसे आप निपटने के समय आपका चल रहा है और आपका समय इससे बेहतर, जो भी आप चाह रहे हैं वो सभी चीजें आपकी पूर्ण होंगी। चर्चा करेंगे मकर राशि वाले जातकों। मकर राशि वर्तमान समय में धन की जो बहुत अच्छी गति आप चाह रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो पा रही है। शनि का पूजन करें, आपके पैर में घुटने में चोट लगने की भी संभावना है, जिससे आप वाहन सावधानी से चलाएं, कहीं भी चलें बहुत सावधानी से चलें, और कुटुंब के भी स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत होने की संभावना है, जिससे आप हनुमान चालीसा या शनि देवता का पूजन करके अपने इस समय को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के योग या पढ़ाई के लिए दूर जाने के योग बने हुए हैं, जिससे आप घर से कहीं दूर जा करके रुक सकते हैं या आप शिक्षा अध्ययन के लिए जा सकते हैं। चर्चा करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि जिन पर अभी शनि का मध्य 7:30 का प्रकोप है और जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट होने की संभावना है, इसे स्वास्थ्य के उनके शीघ्र उपचार करें, और समय बहुत अच्छा है, कहीं दूसरी जगह नौकरी या अगर आप चाह रहे हैं तो प्राप्ति की योग हैं। धन के भी बहुत अच्छे योग वर्तमान समय में चल रहे हैं, थोड़ी सी समस्या है 7:30 को लेकर के, जिससे अभी कुंभ राशि दांत में और घुटने में पीड़ा हो सकती है। धन जितना चाह रहे हैं उस उतना प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत ही बेहतर होने वाला है। और अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए अभी तक जो समय गड़बड़ चल रहा था, अब बहुत अच्छा होने वाला है, आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। धन कहीं से बड़े धन की प्राप्ति की योग चल रहे हैं, जो इसी समय में आने वाले समय में आपको प्राप्त हो जाएंगे, रुके हुए काम आपके बनेंगे। शादी विवाह मांगलिक अवसर भी चल रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह होने की पूर्ण संभावना है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होने के पूर्ण योग हैं, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी और सभी कार्य पूर्ण होंगे। आप बृहस्पतिवार का पूजन करते रहें, बृहस्पति का दान करें और नित्य बृहस्पति की पूजा करें। हमारे साथ समय
चक्र में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि पंडित जी ने आपको केतु ग्रह का जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा रहेगा आज का राशिफल बताया, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।